मुझे एक चीज़ हमेशा लगता है कि मेरे संग इतने लोग हैं जो विदाउट एनी एजेंडा अपना बिना स्वार्थ का मुझे याद करते हैं और मेरा शुभकामना मेरा भला चाहते हैं। मैं आज आपसे ऑन माय बर्थडे आई वुड लाइक टू से टू और थ्री थिंग्स। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, यू आर ऑल बिजी पीपल और मैं जानता हूँ कि आपका समय भी कीमती है। मैं दो या तीन चीज़ आपको अपडेट करना चाहता था। सबसे पहले कि आज से तीन दिन पहले दो या तीन दिन पहले हमारा मीटिंग इंडिया के होम मिनिस्टर के साथ हुआ, अमित शाह के साथ, और हमने अपना डिमांड फॉर ग्रेटर थीपरलैंड क्लियरली रखा है। मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ जो IPFT ने किया था 2018 में, कि बिना अपना डिमांड को सामने रखकर मंत्रिमंडल में बैठ जाए। अगर हम आज अपना डिमांड को सामने नहीं रखते हैं और मंत्रिमंडल में बैठ जाते हैं तो कल क्या गारंटी है कि हमारा डिमांड पूरा होगा? इसके लिए मैंने क्लियरली इंडिया के होम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड अमित शाह जी को कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके संग रहें तो पहले आप हमारा डिमांड को क्लियर कीजिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर थीपरलैंड हमको चाहिए और उसको छोड़कर हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। मैंने अपने लोगों को प्रॉमिस किया था और ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपने लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ और अपने दो तीन या पाँच या दस लीटर के स्वार्थ के लिए मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। अगर ये होगा तो ये हमारे लोगों के संग विश्वासघात होगा। सो ये मैं पहले से बहुत क्लियर, मैंने ये बात अमित शाह जी को कहा है और उन्होंने कहा है, दो तीन चीज़ कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा है, हमारे संग और नॉन लो लीडर्स लोग थे, विजय रामपाल जी थे, जगदीश देवर्मा थे, LOP अनिमेश देवर्मा थे, CM पूर्णो चंद्र जमतिया थे, MLAs विश्वकेतु विश्वजीत थे, भव रंजन रियांग था, रुनिल देवर्मा था, रंजीत देवर्मा MLA था, तो उनको भी ये बात जो होम मिनिस्टर ने कहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन हम पहले एक्शन को ज़मीन में दिखना चाहते हैं। इसको छोड़कर मुझे एक बात और लगता है कि जब तक हमारा डिमांड हमें नहीं मिलता है हमें अपना एजिटेशन आंदोलन शुरू करना चाहिए। 8 तारीख को माधवबाड़ी में एक ऐसा ही मूवमेंट होगा, मैं खुद उस रैली में रहूंगा और मैं आप सबको बोलना चाहता हूं 8 तारीख 2 बजे माधवबाड़ी में आप लोग आइए और हमारा ये जो मूवमेंट है फॉर ग्रेटर थीपरलैंड इसको हम लोग प्रेशर रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हम वायलेंस नहीं चाहते, हम अशांति नहीं चाहते, लेकिन जो हमारा डिमांड है उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए प्रेशर रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 8 तारीख को नहीं, 15-16 तारीख को हमारा प्लेनरी सेशन है, अधिवेशन है, उसमें भी हम लोग पार्टी को पूरा रिस्ट्रक्चर करेंगे और पार्टी में उन लोगों को रखेंगे जो पार्टी के बारे कम और दफा के बारे ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, बहुत लोग ने मुझे पिछले 2-3 महीने में कहा है कि पार्टी को स्ट्रांग करना है, मुझे लगता है थीपरलैंड मूवमेंट को स्ट्रांग करना है। अगर थीपरलैंड मूवमेंट और हमारा कमिटमेंट हमारे कम्युनिटी के साथ रहेगा तभी पार्टी स्ट्रांग रहेगा। सिर्फ पार्टी में 5-10 लीडर को कुछ पोस्ट देकर पार्टी स्ट्रांग नहीं रहेगा। पार्टी तभी स्ट्रांग रहता है जब पार्टी जाति के साथ रहता है। जिस दिन पार्टी जाति को छोड़कर अपने बारे सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे सोचता है, उस दिन उस पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मैं आज आप सबको मेरे जन्मदिन में एक बात बोलना चाहता हूँ, टिपरा मोथा मेरे लिए इतना प्रिय नहीं है जितना मेरा कम्युनिटी है, टिपरा मोथा मेरे लिए इतना प्यारा नहीं है जितना मेरे लोगों का विश्वास है। और मैं आप सबको ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, रीजनल लेवल में, सब जोनल लेवल में बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने एरिया में ग्रेटर थीपरलैंड का मूवमेंट करने के लिए अपने तरीके से शांति से अपना मूवमेंट वापस शुरू कीजिए। ये प्रेशर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रखना पड़ेगा जब तक हमारा डिमांड हमें नहीं मिलता है। इसके बाद मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा था कि ये जो पिछले थोड़े दिन में न्यूज़ आ रहा है कि कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ, MDCs हो, MLAs हो, EMs हो, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, आई रियली लव ऑल ऑफ यू ऑल। मैंने सुना है कि कुछ लीडर्स को कोई खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो सब करेंगे, हमें कमज़ोर करने के लिए सब कोशिश करेंगे, लेकिन ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, ये समय नहीं है
कि हम एक दूसरे को डांटे या एक दूसरे के ऊपर शक करें या उंगली पॉइंट करें. वी शुड नॉट बी पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन. वी शुड बी वर्किंग कलेक्टिवली.